दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की। पर क्या आप जानते हैं कि फुटबॉल अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे सॉकर, अमेरिकन फुटबॉल, रग्बी और फुटसॉल। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में फुटबॉल, रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल और फुटसॉल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। पहला खेल फुटबॉल। फुटबॉल में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, सब जानते हैं। फुटबॉल को खेलने के लिए हाथ के अलावा शरीर के किसी भी अंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर क्या आप जानते हैं फुटबॉल का असल नाम एसोसिएशन फुटबॉल था। एसोसिएशन फुटबॉल का नाम 1863 ईस्वी में रखा गया था, जब फुटबॉल के नियमों को कोडिफाइड किया गया। एसोसिएशन शब्द को इसलिए जोड़ा गया ताकि फुटबॉल को अन्य खेल जैसे रग्बी फुटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल से अलग किया जा सके। तो दोस्तों, फुटबॉल का असल नाम एसोसिएशन फुटबॉल है, ना कि फुटबॉल। पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड शील्ड फुटबॉल क्लब 1857 में इंग्लैंड में बनाया गया, और फुटबॉल का सबसे पुराना नाम हारपेस्टन था, जो ग्रीक नाम था। सॉकर। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सॉकर और फुटबॉल के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते होंगे, पर आपके कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। सॉकर एसोसिएशन फुटबॉल का ही छोटा रूप है। जैसे रग्बी फुटबॉल को हम रग्बी यूनियन, रग्बी लीग या रग्बी कहते हैं, उसी तरह फुटबॉल को इंग्लैंड में और यूरोप में सॉकर कहा जाता है। 1980 से पहले फुटबॉल को ज़्यादातर देशों में सॉकर नाम से ही बुलाया जाता था, पर बाद में यह फुटबॉल नाम से प्रचलित हो गया। फुटबॉल शब्द को यूरोप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि साउथ अमेरिकन देश और अमेरिका में फुटबॉल को सॉकर कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अमेरिकन फुटबॉल, यानी जिसमें कंधे से मारा जाता है, उठा के पटक दिया जाता है, देख के अजीब लगता होगा कि इसे फुटबॉल कैसे कहते हैं। तो यह खेल अमेरिका और कनाडा में खेला जाता है। इससे पहले ग्राइडिरोन भी कहा जाता था। इसमें ऑबलोंग और ओवल बॉल का इस्तेमाल होता है। इसमें एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें खिलाड़ी खेलने के लिए गेंद को किक करते हैं, उसे थ्रो करते हैं, पास करते हैं, एक खिलाड़ी दूसरे को टैकल करते हैं, डिफेंस करते हैं। यह खेल अमेरिका में सॉकर यानी फुटबॉल से हुआ था, और बाद में इसका नाम बदल के अमेरिकन फुटबॉल कर दिया गया था। रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल और अमेरिकन फुटबॉल काफी हद तक सेम दिखता है, लेकिन डिफरेंस होता है। जैसे अमेरिकन फुटबॉल में सिर्फ 11 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी में भी खिलाड़ी गेंद को पास कर सकते हैं, किक कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, लेकिन टैकल नहीं कर सकते। रग्बी फुटबॉल एक कलेक्टिव टीम स्पोर्ट है, जिसे रग्बी यूनियन और रग्बी लीग के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते हैं फुटसॉल की, जो फुटबॉल का सबसे नया स्वरूप है। फुटसॉल फुटबॉल का छोटा रूप है। यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, जबकि फुटबॉल ग्रास पर खेला जाता है। फुटसॉल एक इंडोर गेम है। इसमें एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर होता है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। धन्यवाद।